ये हैं अरुण तोमर और इनका जन्मदिन था। इसी उपलक्ष्य में पूर्व विधायक सिद्धार्थ शर्मा ने अपने कार्यालय में इनका जन्मदिन सभी कार्यकर्ता और नेताओं के साथ बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक समाज सेवक के रूप में इनका पूरे एरिया में बहुत अच्छी छवि है और लगातार पूर्व विधायक के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके हर कार्य में हमेशा साथ रहते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, बाहर का कोई कार्य हो या इनके क्षेत्र का कार्य हो। सभी के साथ कंधे से कंधा मिला के यह हमेशा साथ रहते हैं। इसी कारण यहाँ पे विधायक ने और उनके सभी कार्यकर्ता और सभी साथियों ने अरुण तोमर का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया। आप देखिए, इसमें बड़े बुजुर्ग भी हैं, इसमें लोकल निवासी भी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता भी हैं और साथ ही साथ महिला कार्यकर्ता और यहाँ के लोकल निवासी जो इनको इतना प्यार करते हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद रहे। लोगों ने एक दूसरे का मान सम्मान किया और इनको केक काट के, केक खिला के इनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और इनको दीर्घ आयु और ऐसे ही कार्य करने के लिए इनका हौसला बढ़ाया। युवा साथी भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनका मान सम्मान बढ़ा रहे थे, इनको बधाई दे रहे थे, इनका जोरदार फूलमाला पहना के स्वागत किया गया, पगड़ी पहनाई गई और इस पूरे एरिया में जगह जगह ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहाँ पे उत्साह महिलाओं में भी देखने लायक था। महिला कार्यकर्ता और नेता भी यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने इनको इनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। हम आपको ये भी बता दें कि पूरे गोंडा विधानसभा में करीब 35 से 36 जगह इनका जन्मदिन मनाया गया। गली में छोटे छोटे बच्चों ने भी इनका केक काट के जन्मदिन मनाया और इनके साथी और इनके अपने लोगों ने भी, जो इनको पसंद करते हैं, इनको चाहते हैं, इनकी सेवा से खुश रहते हैं, उन्होंने भी अपने घरों में, अपने गलियों में भंडारा करके प्रसाद बांट के जन्मदिन मनाया और केक काट के भी इनका जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इसी कड़ी में रजनी, जो कि रजनी पांडे नाम की एक कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी की, उन्होंने भी एक प्रोग्राम का आयोजन अपने घर में किया। यह तस्वीरें उन्हीं के घर की हैं जहां पूर्व विधायक भी उनके साथ थे और यहां पे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी सभी मौजूद थे। सभी ने पूर्व विधायक का और अरुण तोमर का जोरदार स्वागत किया, फूलमालाएं पहनाई, शॉल पहनाया और केक काट के उनका जन्मदिन मनाया। यहाँ पे उनका, आप देखिए किस तरीके से स्वागत किया गया और उनके जन्मदिन की तैयारी किस तरीके से की गई थी। केक का डिजाइन, यहाँ पे लोगों का हर्ष उल्लास और खुशियां देख के अरुण तोमर गदगद हो गए, उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। इसके बाद यहाँ पे उनके जन्मदिन पे यहाँ पे लोगों ने पौधों के वितरण किए, यहाँ पे पौधों को पोर्ट समेत लोगों को बांटे गए और उनके जन्मदिन को यादगार बनाया। आपके बर्थडे पे इतना मान सम्मान विधायक जी के ऑफिस में और इतने लोग, क्या देखते हैं, कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हो रही है जो मुझे ये मान सम्मान मिला, इतना प्यार मिला और मुझे वैसे ही बताऊँ, मुझे इतना विश्वास इन लोगों को मेरे प्रति है कि मैं आज बहुत धन्य हो गया। इतना प्यार, मान सम्मान, इतना विश्वास मैंने कभी जिंदगी में आज तक कभी इतना प्यार नहीं देखा जितना मुझे आज ये प्यार मिल रहा है। मैं यही नहीं, हर जगह जाके आज कम से कम 20 से 25 जगह मैं केक का प्रोग्राम है, 12 से 13 जगह हो चुके हैं और अभी और जाने भी वाला हूँ। गली गली, घर घर बुला के मुझे लोग केक कटवा रहे हैं, गली में, चौक पे मैं जाके केक काट रहा हूँ। मैं बहुत ऋणी हूँ अपने क्षेत्रीय साथियों का, अपनी जनता का, कि आज जो मुझे प्यार सम्मान दे रहे हैं, मैं बहुत आभारी हूँ। जगह जगह, कहीं कहीं जगह आपके नाम के भंडारे भी कराए गए, कहीं जगह केक कटे हैं। जी बिल्कुल कराए गए। मैं सुबह 11:30 बजे से स्टार्ट हो चुका हूँ, सुबह 11:30 बजे से भजनपुरा बी ब्लॉक के अंदर में, भजनपुरा मैन मार्केट के अंदर में और तो और समय तक दिल्ली दरबार रोड पे, भजनपुरा सी ब्लॉक के अंदर, रामापुरी सी ब्लॉक के अंदर में जगह जगह भंडारे और जगह जगह प्रोग्राम, जो केक काटने का प्रोग्राम है ये हो रहा है। क्या कहेंगे लोगों के लिए आप? मेरी बस सबसे यही प्रार्थना है या मेरी यही सबसे उम्मीद मैं करता हूँ कि जिस हिसाब से आज मुझे उन्होंने प्यार दिया या सम्मान दिया, बस ये मेरा प्यार और सम्मान और मेरे पर विश्वास बरकरार रहे। मैं उनके प्रति हमेशा तत्पर खड़ा रहूंगा और उनके लिए हमेशा सेवा करता रहूंगा। मैं आपका सेवक हूँ, कोई नेता नहीं हूँ। आज जिस जनता ने मुझे बेटे के रूप में, भाई के रूप में, साथी के रूप में, दोस्त के रूप में स्वीकार किया है, मैं उनका जिंदगी भर आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा।